सबसे पहले तो ढेरों सारी बधाई नूरानी चेहरे की रैपो पार्टी के मौके पर हम सभी यहाँ पे चेहरे, जैसा कि आपने बताया कि मुझे तो अब तक लगा कि दो नूरानी चेहरे यहाँ होंगे, लेकिन नूरानी चेहरा थोड़ा सा कंफ्यूजन, वो दिखने से पता चल जाएगा ना कौन कौन है। दिखने से पता चल रहा है ना, दो नूरानी चेहरों के बीच में शैतानी चेहरा। पर यही क्लिशे ब्रेक करना है हमें फिल्म के साथ। एग्जैक्टली, आप सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मुझे लगा कि नूरानी चेहरे आपको क्या लगा? नूर इनके इनकी आंखों नूर में नहीं दिखता, इनका एक अलग ही, इनका नाम नूर है फिल्म में। मेरा नाम नूर है, इनका नाम नूर है। देखो क्या है, फिल्म का फिल्म ख़त्म हुई है और इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छा क्या नूर टपक रहा है और इनकी अच्छा क्या क्या है ना, तो मुझे बहुत खुशी है कि भाई ऐसे ऐसे स्टार्स एक्टर्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे तो सार्केज़म? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं सीख नहीं सकता। क्या क्या सीखा आपने मुझसे बताइए? बहुत कुछ सीखा। अच्छा सवाल है मैडम, हमें भी क्या पूछा, क्या सीखा? ये एक उसके लिए एक मुझे बहुत लंबी किताब है जिसकी मुझे लिखनी पड़ेगी। फ्रेंकली स्पीकिंग, इनकी जो ऑनेस्टी है सिनेमा में फिल्म में दिखाई देगी आपको, बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम किया। हालांकि इनकी पहली फिल्म थी, बट वो सादगी, क्योंकि सबसे टफ जो है एक्टिंग में यही, हम लोग भी उसी के लिए स्ट्रगल करते हैं, और जो हैं ये तो एक्सपीरियंस्ड हैं कई फिल्में की, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और बहुत ही हाजिर जवाब हैं, और बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही लाइव हैं, लाइव रहती हैं। जब भी कैमरा ऑन होता है, भले ये सुस्त पड़ी रहती हूँ, लेकिन एकदम अचानक से जैसे ही कैमरा आता है बहुत लाइव हो जाती हैं। मतलब कैमरे के पीछे कुछ और है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ और होता है। नूपुर जी डेब्यू करें आप, हालांकि आपके गाने तो हमने देखा हर किसी को जुबा पे रह चुके हैं, एंड आप एक्टिंग से डेब्यू कर रही हैं, तो कुछ बताएंगे फिल्म से कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आवाज भाई के साथ में? सो मैं हिबा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे, क्योंकि आप जब नए होते हो ना तो आपको चीज़ें नहीं पता होती इतने अच्छे से, एंड अगर आपके सामने कोई इतना अच्छा एक्टर हो तो आपको ये पता होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे उससे ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि वो आपको ऐसी एनर्जी देते हैं। तो बहुत हेल्प करी है इन्होंने मेरी हर सीन में, विदाउट रियली कंट्रोलिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मी कि ये करो वो करो, बट आई थिंक जैसे जैसे मैं चलती गई ही मोल्डेड as per that, which I really respect, because aap naye hote ho to aapko yahi chahiye hota hai ki koi aapko khud se grow karne de rather than aapko bataye, because you need to imagine, you need to be creative, you need to question, jo main bahut karti hu, jo maine sar khaye hai sabke question kar kar ke, you can ask my director. Madam, aap bataiye ki kaisa raha experience with do मुझे तो बहुत एवरी मोमेंट बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और ऑनर्ड फील हो रहा था, सिंपली बिकॉज ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट लेवल पे तो बहुत अमेजिंग है, बट मेरा पहला रीज़न आफ्टर द स्क्रिप्ट जुड़ने का इस फिल्म के साथ वॉज ऑफ कोर्स, एंड इट्स लाइक मुझे लग रहा था कि मैंने इतने टाइम एक्टिंग स्कूल में पैसे क्यों वेस्ट किए, इन्हीं के साथ पहली फिल्म मिल जाती तो मैं देख के, बट जेन्युइनली शायद मैंने कैसे से काफ़ी एक्सप्रेस किया भी है और शायद उतना नहीं कर पाऊँ, जस्ट इनको आप जब मेरा शॉट नहीं चल रहा था इनको बस बैठ के मैं देखती थी एक क्रीप की तरह, क्रीप पता ना एकदम क्रीप की तरह मैं देखती थी, हाँ स्टॉकर तो अभी ही एक्सपीरियंस शुश, बट जस्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड ऑफकोर्स टैलेंट वो बहुत क्लीशे हो जाता है, हम सबको पता है वो कितने ब्यूटीफुल आर्टिस्ट है, कितना सीखा है, बट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा और मज़ा आया, दिस वॉज अ फन प्रोजेक्ट, मज़ा आया, नूपुर वॉज सो अमेजिंग, उसकी पहली फिल्म है, बट वी जस्ट काइंड ऑफ आई थिंक इट टुक अस 2 days 3 days really gelled, हाँ मतलब 2-3 दिन लगे, बिकॉज यू नो शी वॉज इन हर एलिमेंट एंड आई वॉज इन हर एलिमेंट, एंड देन वी वर लाइक I was going to say a bad word, but leave this
thing, and then we were, you know, it was amazing working with the whole team. All right, stalker, school teacher, principal, ऐसे सारे खिताब दिए जा रहे हैं मुझे. खिताब दिए जा रहे हैं. Friend भी. But you know. Friend भी. हाँ, of course. बट यू नो एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमने किसी भी चीज़ का ना, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, हमने किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लिया. एक माहौल ऐसा बना था कि कहते हैं ना, खुद ब खुद होती चली जा रही थी चीज़ें. यू नो एक्टिंग का यही है कि उसको ईज़ बनाने के लिए माहौल जो होता है ना, वो भी ईज़ बनाना पड़ता है बहुत. अब अगर इस तरह की फिल्म में हम लोग बहुत नहीं, आपको यहाँ पर पॉज लेना है, यहाँ पर ये बोलना है, अंडरलाइन करनी है, तो एक भी एक्टर ना कर पाता. तो जैसा हमारा माहौल था बिहाइंड द सीन, ऐसे ही फिल्म थी. तो हम जब सीन शुरू करते थे, हमें पता ही नहीं चला था कि हम रियल एक्टिंग कर रहे हैं या इससे पहले जो बातें कर रहे थे उस तरह की बातें कर रहे हैं. तो इतना सिंक हो गई थी चीज़ें, ये रियल और रियल लाइफ. थिएटर में आएगी. ये मुझे नहीं आइडिया है, ये हमारे सारे प्रोड्यूसर्स भी यही हैं, ये आप उनसे सवाल कर लेते ज़्यादा बेहतर. मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा कि मुंबई में किसी के पास इतना बड़ा बंगलो है. पहली बात तो आई एम सॉरी, मुझे बिलीव ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिल्ली में घर बड़े बड़े होते हैं, बॉम्बे में यूजुअली थोड़े छोटे होते हैं, एंड अपार्टमेंट वो भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं. सो जब मुझे पता चला था कि यू नो लाइक अभी इन्होंने एक नया घर लिया है, बनाया है, और इतने अच्छे तरीके से बनाया है, मुझे ऐसा लगा था मे बी न्यू बॉम्बे साइड है, थोड़ा बाहर आउटस्कर्ट्स में कहीं होगा, बट इट्स 5 मिनट दूर मेरे घर से. और इतना सुंदर, और ऑल्सो आपने अपने अपने गांव वाले घर से काफ़ी इंस्पायर हुआ, इंस्पायर्ड रखा है ना, बट इट्स ब्यूटीफुल. चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड गुड लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. शॉर्ट्स ले लीजिए, उसके बाद